क्या नाम है आपका? नीतल शर्मा। हाँ नीतल शर्मा, आपका जिनवर टाइम में आपका स्वागत है और पास होने की बहुत बहुत बधाई। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है तुम्हारी? आज आप इंटर में इतने नंबरों से पास हुई हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसको सिलेक्ट किसको दी हुई? अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? आगे बढ़ो। और पापा का नाम? अच्छा, उसका गुरुओं का क्या, इतना सहयोग रहा तुम्हारे का? बहुत अच्छा रहा था, उन्होंने तो कुछ तैयारी कराई थी, इंग्लिश वाले टीचर से ज़्यादा अच्छा था। अच्छा अच्छा, आगे क्या बनने की तमन्ना है तुम्हारी? टीचर। और अपने फ्रेंडों को कुछ कहना चाहोगी, क्या संदेश देना चाह रहे? यही कहना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करो, खुद मेहनत करो, अच्छे नंबर आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेन शर्मा। अच्छा सुरेन शर्मा जी, आपको कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अपने बच्चे को अच्छे मेहनत से पढ़ाया और अच्छे नंबर पास किया, आपको क्या महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इसका आगे वो क्या बनाने की तैयारी है? वो है वहाँ स्तंभ बनना चाहती है, वो बनाएंगे आप? टीचर बनाएंगे। अच्छा अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? क्या नाम है आपका? अच्छा सुमान जी, आपको कैसी महसूस हो रही है कि लड़की तुम्हारी अच्छा नाम अच्छे नंबरों से पास हुई? आगे के लिए देखिए क्या तैयारी है, जो वो बनना चाहिए तुम्हारा क्या मिलेगा तैयारी तुम्हारी करनी? मेरी आगे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है। इसको से किसको दोगी तुम? अपने माता पिता और गुरु को। गुरु को? अच्छा, कुछ अपने फ्रेंडों के लिए कुछ कहना चाहूँगी? हाँ, इससे मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मतलब मेरा बहुत सम्मान दिया और मेरे आगे बढ़ने को आदर प्रदान किया। अच्छा, आगे और अपने खासकर घर में क्या काम करती हो? घर में सभी काम करते हैं थोड़े बहुत। क्या नाम है आपका? किरण। किरण पिताजी का नाम? श्री सर्वेश कुमार। और माता जी का नाम? श्रीमती सुषमा देवी। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ी हो तुम? हाई स्कूल इंटर, इंटर में। इंटर में? अच्छा, इंटर में कितनी परसेंट मिली आपकी? 81। स्कूल का नाम क्या है? GDM इंटर कॉलेज, बुचकोली बटे से बाहर कॉलेज। तो आप इतने नंबर अच्छे नंबर से पास हुई हैं, क्लास में पहला नंबर आया है आपका, तो इसका श्रेय किसको दोगी आप? अपने माता पिता को। आगे क्या करने का तुम्हारा विचार है? डॉक्टर बनने का। आपके फ्रेंडों के लिए क्या कहूँ संदेश, अपने दोस्तों के लिए क्या संदेश देना चाह रही हूँ? मैं पढ़ी हूँ, ऐसे मेरे दोस्त आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपका नाम? सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, आपको आज कितना महसूस हो रहा है कि? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी बच्ची पास हुई है अच्छे नंबरों से, 81% उसका नंबर आए हैं, 405 नंबर, और मैं आगे बढ़ के ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरी बच्ची पढ़ी है उसी तरह आगे और बच्चे पढ़े और जो इनकी इच्छा हो डॉक्टर बनने की या मास्टर बनने की वो बने, और मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, आपको बहुत बहुत बधाई पास होने की। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? हाई स्कूल। हाई स्कूल में कितने परसेंट बनी आपकी? 76। कितने में से? 600 में से। कितने नंबर आए थे आपके? 457। अच्छा, आपको कैसे महसूस हो रहा है इस नंबर? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इसका श्रेय किसको दोगी? अपने पिताजी को। क्या नाम है पिताजी का? नरेंद्र। और मामा और मम्मी का नाम? नवीन देवी। अच्छा, कैसे कौन से स्कूल से आपने ये हाई स्कूल पास किया है? GDM इंटर कॉलेज, बिचकोली। अच्छा, बिचकोली। अपनी फ्रेंडों को कुछ कहना चाहोगी इसके बारे में? यस सर, हमारी फ्रेंडों का ऐसा ही था। हाँ, और क्या संदेश देना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो अपने फ्रेंडों के प्रति? सर, ऐसे फ्रेंड सभी होने चाहिए। अच्छा, और अपनी मम्मी पापा को?
हमारे मम्मी पापा के सहयोग से हम पढ़ पाए। हाँ, आगे क्या बनने की इच्छा है तुम्हारी? आगे क्या बनना चाहोगी? जॉब करना चाहेंगे। किसमें हॉबी तुम्हारी? पुलिस। रोशनी जी, तुमको बहुत बहुत बधाई पास होने की। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी यादव। पिताजी का नाम? मिस्टर नरेश चंद यादव। अच्छा, माँ का नाम? मिस कृष्णा देवी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th। कौन से स्कूल से? GDM इंटर कॉलेज बिस्कॉलिटेशन बाहा आगरा। अच्छा, आपको कितनी परसेंट बनी इंटर में? 81। अच्छा, पास होने की खुशी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। इसका श्रेय किसको देती हो तुम? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा गुरजन और अपने साथ पढ़ने वाले अपने फ्रेंडों को देती हूँ। अच्छा, अपने फ्रेंडों को इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी? तो फ्रेंडों को कहना चाहूँगी, हाँ। सबसे ज़्यादा मैं अपने गुरुजनों को कहना चाहूँगी और उस राजू सर को। अगर उस दिन उन्होंने मुझको प्रेरित नहीं किया होता तो आज शायद मैं आगे नहीं कुछ इतना नहीं पढ़ती। अच्छा, आपका मन में क्या इच्छा बनने की, आगे क्या तैयारी है, आप क्या बनोगी? मैं इंजीनियर बनूंगी, ITI करूँ, IIT करूँगी। माता जी, क्या नाम है आपका? नारायण श्री। आपकी कौन है? नातनी। अच्छा, आप जो कैसे महसूस हो रहा है तुमको पास हो गई है? तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इनको क्या बनाओगी? क्या बनाओ? इंजीनियर। अच्छा, ठीक है मारे, ठीक है। आपका नाम? श्री बंगाली बाबू यादव। यादव है। आपकी कौन है? हमारी नातनी है। तो नातनी को आप कितने खुशी में कितना महसूस हो रहा है तुमको? मैं बड़ी अच्छे नंबर लेकर आई है, मैं खुशी महसूस हो रही है। हमारी यही आशीर्वाद है हमारा, आगे खुशी अच्छे अंकों से खुशी हो। धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम? कृष्णा। आपकी कौन है? बेटी। तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? अच्छे नंबर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हाई स्कूल में भी फर्स्ट नंबर से आई और फिर भी फर्स्ट नंबर से, इसलिए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी बच्ची ने मेहनत करी, इसके साथ मैंने भी बोलना है। थैंक यू। आपका नाम? जी, मेरा नाम नरेश चंद्र है। नरेश चंद्र, आपको कैसा लग रहा है? बेटी अच्छा कर रही तो अच्छा लगेगा सर जैसा है, और भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मोदी जी का मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और उस मिशन में भी हम आगे हम सोचते हैं और हम अपनी बिटिया को और आगे बढ़ाएं, जिससे मोदी जी के मिशन को और आगे बढ़ाया जा सके, और उज्जवल भविष्य के लिए जितना होगा हम इनके साथ हमेशा रहेंगे, और यही कामना करेंगे कि बिटिया अच्छे नंबरों से आगे चलती रहे और अच्छे जॉब हासिल करें। अच्छे से। हाँ रोशनी जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या बनना चाहोगी आगे? इंजीनियर। तो इसका श्रेय आपको किसे दोगी? सर अपने पापा को। अच्छा, पापा ने आपके साथ मेहनत की? पापा ने भी और मम्मी ने भी बहुत मेहनत की। अच्छा, अपने फ्रेंडों को क्या कहना चाहोगी संदेश में, अपने गुरुओं को? सर गुरुओं को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। और अपने फ्रेंडों को? फ्रेंडों को भी ऐसे फ्रेंड बहुत कम ही मिलते हैं सर, बात बात पे साथ देते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे। अच्छा, क्या संदेश दे रहे, क्या कहना चाह रहे हैं उनके प्रति? उनके प्रति सर मैं सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? मनोरमा। पिताजी का नाम? राम सेवक। अच्छा, इस साल कौन सी परीक्षा पास की है तुमने? इंटर की। कौन से स्कूल से? एनडी। एनडी, गांव का नाम बताओ पूरे। कहाँ है? विज कॉलेज। पूरे स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम बताओ। हाँ, कौन से स्कूल का नाम है तुम्हारे? एनडी पब्लिक स्कूल विज कॉलेज बटे से वहाँ आ गया। अच्छा, आप कितनी परसेंट बनी है तुम्हारी? 65.8। अच्छा, इंटर में। हाँ। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। इसका श्रेय किसको देंगे?
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।